हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। आज हम एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे क्वांट का, वो है परसेंटेज का। तो आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज जो टॉपिक है उसकी काफी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करें चाहे डीआई की, डीआई में भी जो परसेंटेज जो है टॉपिक को काफी वेटेज रखता है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है वो या तो परसेंटेज पर बेस्ड होते हैं या मैं कह सकता हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट उसमें यूज होता है। तो इसलिए परसेंटेज का जो टॉपिक है वो इसीलिए आज मैंने उठाया, क्योंकि एक तो परसेंटेज पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस बड़े बनते हैं, जैसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट पूछा जा सकता है या और भी जितने परसेंटेज पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं परसेंटेज के अलावा, तो जो है डीआई में इसका यूज काफी होता है परसेंटेज टॉपिक का, ये सब चीज। तो इसीलिए आज हम परसेंटेज का ही टॉपिक बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि कम से कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ परसेंटेज का टॉपिक, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि क्वांट में जो है क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है और परसेंटेज कितने मार्क्स का उसमें उसकी वेटेज रहती है। तो वो चीज पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, देखिए सो परसेंटेज में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्री में अगर बात करूं क्वांट के, तो देखिए 35 क्वेश्चंस आते हैं और वो 35 मार्क्स के होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि जो हर क्वेश्चन है उसकी वेटेज 1 मार्क्स की होती है। सो 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, और इसके लिए जो आपको टाइम अलॉटेड होता है वो होता है 20 मिनट्स का। देखिए अर्लियर पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं प्री की, तो प्री में आपको एक कंपोजिट 1 आवर का टाइम दिया जाता था। उसमें आपकी मर्जी होती थी, अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो ज्यादा, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। बट एट प्रेजेंट क्या चल रहा है कि जो इन्होंने जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है आईबीपीएस और एसबीआई ने, वो है सेक्शनल टाइमिंग्स का प्री में भी, चाहे वो मैं क्लर्क लेवल के एग्जाम्स की बात करूं या पीओ लेवल के। तो अब आपको देखिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है टोटल, और इसमें आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसकी मैक्सिमम जो वेटेज होती है 35 मार्क्स होती है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इसमें परसेंटेज की क्या वेटेज रहती है और वो क्यों क्यों ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्वांट के लिए, तो देखिए उसमें सबसे पहला आता है हमारा अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन भी, इन दोनों में से एक आते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन। दोनों में से अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चंस बनते हैं, या तो 5 अप्रोक्सीमेशन के पूछ लिए जाएंगे या सिंप्लीफिकेशन के, या 5-5 क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं। यानी टोटल आप इसमें से इस टॉपिक से 5-10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको प्री में 5-10 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से देखने को मिलते हैं और ये काफी इजी होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं जो और बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो ये जो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है वो इजी होता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको सबसे पहले इनको अप्रोच करना है, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर जब आपकी ये क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद देखिए एक हमारा इसमें बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो देखिए जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारा टॉपिक है, इससे भी आप जो है 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको 2 इक्वेशंस गिवन होती है, और आपको सभी ने पढ़ा होगा पहले भी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी होती है वो वैसी वो इक्वेशंस होती है जिसकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है, वो टू है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस तरीके से आपको देखिए इन क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस गिवन होंगी, और आपको इनकी जो रूट्स है उनको कंपेयर करते हुए बताने की कौन सी रूट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें जो मोस्टली रहता है वो हमें कंपेरिजन करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे के वेबिनार्स में। बट एट प्रेजेंट मैं अगर आपको बता दूं कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आप 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 टू 10 क्वेश्चंस एप्रोक्सीमेशन सिंपलीफिकेशन से और 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से। आगे चलते हैं, तो इसके बाद देखिए जो हमारा तीसरा टॉपिक रहता है वो रहता है नंबर सीरीज का। देखिए नंबर सीरीज के भी आप जो है 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए दो तरीके से नंबर सीरीज पूछी जाती है, एक तो सिंपल जो होती है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल गिवन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन मार्क का साइन गिवन होगा, और आपको नीचे 5 ऑप्शंस बताने में से बताना होगा कि इस क्वेश्चन